हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस ये स्वीट रेसिपी, और वो है ब्रोकन व्हीट बनाना ठेकुआ। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है वो बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी बना है। तो दोस्तों, इस तरह से ब्रोकन व्हीट बनाना की रेसिपी मेरी अंत तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है ये ब्रोकन व्हीट 1 कप, और इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा पीसेंगे। पाउडर फॉर्म हमें नहीं करना है। अब हम ले रहे हैं यहाँ 2 कप व्हीट फ्लोर आटा, और इसमें हम ये ब्रोकन व्हीट जो हमने दरदरा पीसा था वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम ले रहे हैं 2 बनाना, जिसे पील करके हम इसमें मिला देंगे। ये मैं डाल रही हूँ क्रश्ड कार्डमम इलायची। अब हाथ से इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल। बीच बीच में हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे, हमें जितना ज़रूरत हो। हमें डो को सॉफ्ट नहीं करना है, डो हार्ड रहना चाहिए, नहीं तो जो ठेकुआ बनेगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून घी मिलाया है, जो कि यहाँ पे दिखाने में मिस हो गया है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ गुड़। आप चाहें तो क्रश्ड शुगर भी मिक्स कर सकते हैं, मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स। अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इसका एक हार्ड डो प्रिपेयर कर लूँगी। हम यहाँ पे थोड़ा सा और पानी मिक्स कर देंगे ताकि जो डो है हमारा अच्छे से बाइंड हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ हार्ड डो मैंने तैयार कर लिया है। हम इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। आधा घंटा हो गया है, तो चलिए हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं कुछ इस तरह से। अब मैंने यहाँ लिया ये छन्नी, और इसकी हेल्प से मैं इस पे आगे पीछे अच्छे से डिज़ाइन बना लूँगी। तो ये देखिए, उसी तरह मैंने यहाँ पे ये दूसरा डिज़ाइन इसे तैयार कर लिया है। फॉक की हेल्प से इस तरह से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए, तो मैंने यहाँ सारे ठेकुए पे डिज़ाइन बना लिया है। अब चलिए हम इसे डीप फ्राई करते हैं। यहाँ मैंने रख दिया है तेल, हम यहाँ पे जो ठेकुआ हमने बनाया था, अब हम इसे एक एक करके डीप फ्राई करेंगे।